बाय बाय बेटू, बाय बाय मम्मा। ओ मैं कुछ भूल गया। हैंकी, हैंकी नहीं है? अरे हैंकी निकाल दिया था, क्यों निकालते हो डेली हैंकी? है तो नहीं आप। तो हस्बैंड तो चले गए जीनू को स्कूल छोड़ने के लिए, जीनू चली गई स्कूल और मैं आ गई थी नीचे। नीचे कुछ कपड़े ना जो है फैले हुए थे, क्योंकि बारिश की वजह से ना क्या हो रहा है कि इधर उधर कपड़े सुखाने पड़ते हैं, तो फिर वही सारे कपड़े जो है फोल्ड करके रखे हैं। बारिश में ना यही दिक्कत हो जाती है कि कपड़ों को कहाँ सुखाया जाए, क्या किया जाए, सूखते ही नहीं है कपड़े। तो थोड़ा साफ़ सफाई करी है एंड देन उसके बाद यहाँ लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू मॉर्निंग में लगा चुकी थी मैं, और बाहर की धुलाई सफाई भी कर दी है, वो सुबह ही कर देती हूँ क्योंकि बाहर का लेट करना अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी फटाफट से करी मैंने बाहर की, क्योंकि जीनू को स्कूल जाना होता है तो उसको तैयार भी करना पड़ता है, नहलाना धुलाना पड़ता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पहले जीनू को स्कूल भेजते हैं, उसके बाद आराम से जो है यहाँ की सफाई कर देंगे। और उसके बाद जो है पूजा की मैंने, पूजा करने के बाद ऊपर जाके जो है हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक करना है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उनको भेजना है ऑफिस के लिए। दैन अपना नाश्ता पानी किया और उसके बाद जो है मैं लग गई साफ़ सफाई में। तो ये जो ऊपर का जो काउंटर है वो सारा साफ़ किया, बर्तन वर्तन करके रखे हैं, और जो ये नीचे के दराजे ना इनको तो मैं डेली क्लीन कर देती हूँ। पहले गीला कपड़ा करती हूँ, उसके बाद फिर सूखे कपड़े साफ़ हो जाता है, तुरंत साफ़ हो जाता है, कॉलिन वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि डेली करो ना तो इतना फिर वैसा भी नहीं होता गंदा। बट ये है कि धूल मिट्टी आटा वगैरह तो ये तो डेली ही छा जाता है, इस पर तो साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। और हाँ यार, नीचे का मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मम्मी पापा हैं नहीं, अभी मम्मी पापा गए भैया दीदी के यहाँ पे, उनका बर्थडे आज भैया का, तो उसी के चलते वहाँ पे गए वो, तो इसलिए फिर नीचे की साफ़ सफाई भी अभी कर रही हूँ। और बस यहाँ पे खाना पीना हो गया था, और डेली जो झाड़ू पोछा है वो करना है। थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर सब जगह मैंने कर दिया था साफ़, मतलब टीवी भी गंदी हो गई थी, टीवी पे कुछ दाग धब्बे से लग गए थे, तो फिर मैंने गीला किया, कपड़ा गीला किया, टीवी पर कॉलिन नहीं मारा है ना, कपड़े को गीला किया, उसके धीरे धीरे फिर साफ़ किया, क्योंकि टीवी का ना मुझे बड़ा वो लगता है कि कुछ पिक्सल्स वगैरह वैसे ना हो जाए, तो बिल्कुल साफ़ कपड़ा लिया था मैंने टीवी के लिए और कपड़े पे ही करके फिर उसको साफ़ किया। टीवी एकदम चमक गई थी, फिर साफ़ किया। उसके बाद फिर वही झाड़ू पोछा किया फटाफट से, क्योंकि जीनू को स्कूल से लाने का टाइम भी होता रहता। और थैंक गॉड की बारिश बंद हो गई थी, थोड़ी बारिश हुई थी सुबह, उसके बाद बंद हो गई थी, तो धूप जो है निकल आई है, तो कपड़े भी आराम से सूख जाएंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया हो गए, एकदम मज़े में हो गए, अच्छे से हो गए, तंदुरुस्त हो गए। तो मैं सारा काम हो चुका है फिनिश, ठीक है, और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है जीनू को लेने के लिए, अभी निकलना है, बस 5 मिनट रह गए हैं। और कपड़े धो चुके हैं, कपड़े मैं सुखाऊंगी आके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ आके सुखाऊंगी। एक्चुअली ना बारिश का भी कोई भरोसा नहीं आजकल, कब किस टाइम पर बारिश आ जाए, तो इसलिए मैं सोचती हूँ आके ही सुखाऊँ, ताकि कहीं गीले वीले ना हो जाए, फिर जब तक मैं स्कूल में हूँ तब तक गीले भी हो जाते हैं, तो इसलिए आके ही सुखाऊँगी। जब घर पर आ जाऊँगी ना तब। मैंने फ़ोन में देखा था कल परसों, तो आज का वेदर बहुत बेकार दिखा रहा था कि 70% चांस थे कि आज बारिश होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। धूप निकली अभी तो अच्छी खासी, लेकिन मौसम का भी कुछ नहीं कह सकते, कब बादल आ जाए कब बारिश हो जाए। उस दिन हम लोग डीमार्ट गए थे और इतना अच्छा मौसम था, धूप निकली हुई थी, बट एकदम से बादल आ गए और आते टाइम जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वही कुछ नहीं कह सकते मौसम का। चलो यार चलती हूँ, थोड़ा सा भी लेट हो जाती हूँ ना तो जीनू क्वेश्चन पूछने लग जाती है, मम्मा कैसे लेट हो गई, क्यों लेट हो गई आज आने में। उससे थोड़ा सा भी अगर वेट करना पड़ जाए ना तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एंड यस, एग्ज़ाम आने वाले हैं, आधे बच्चों के तो स्टार्ट भी हो गए हैं, बट जीनू के जो है वो एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए 13 से। मैंने डेट शीट लगा दिया उसकी यहाँ पर, ताकि सामने दिखता रहे नोटिस बोर्ड पर, 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे जीनू के, क्या मेरे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, पेरेंट्स के ही होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो कुछ कर नहीं पाते, उन्हें समझाना होता है, करना होता है, तो देखते हैं क्या होता है। भैया का बर्थडे भी आज, हाँ हम लोग बर्थडे में भी जाएंगे शाम को, तो जीनू तो बहुत एक्साइटेड है, मतलब कल से पीछे पड़ी है, मम्मा बर्थडे में जाएंगे, ताऊ के बर्थडे में मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको बता दिया उसने, गली में अपनी जितनी फ्रेंड्स है ना सबको बता दिया ताऊ का बर्थडे कल, ताऊ का बर्थडे कल। बहुत एक्साइटेड हो जाती है वो जब किसी का बर्थडे होता है या कुछ भी होता है ना, पार्टी वार्टी कहीं जाना होता है, तो बच्चों का होता है थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, और बचपन में ही होता है ये एक्साइटमेंट ना, बड़े होकर धीरे धीरे सब कम हो जाता है। सुनाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज जेनिता एंड आई थिंक आई ईट कैरेट एंड आई crunch. And think. Okay. I eat carrot, crunch. I eat apple, munch. I eat lollipop, lick. I eat ice cream, quit. I eat orange, peel. I eat banana for a peel. Very good. बहुत बढ़िया सुनाई आपकी। किसने सिखाई? ये मैम ने। सिखाई आपको? इसमें hot cross bun, 1 penny, 2 penny, hot cross bun. Bye. चलो खाना खा लो। की पसंद सुन लिया आप लोगों ने। बताना कैसी सुनाई जिन्होंने। मोस्टली काफ़ी सारी पोएम इसमें याद कर रखी हैं, इसकी बुक है ये, इसमें से मोस्टली पोएम याद है जीनू को इसमें से। और अब हम लोग खाएंगे ये नहीं खाना, लंच खाएंगे। जिन्होंने आज किससे खाया था पराठा? भिंडी। हाँ, इट्स योर फेवरेट। खाना खाने के बाद यार जो बर्तन थे ना मॉर्निंग के, वो सारे फिर मैंने उनको उनकी जगह पे लगाया। बास्केट खाली की और बास्केट जो है गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करके रख देते हैं। साथ के साथ में लंच बॉक्स वगैरह धोना था, अपने खाए पिए बर्तन धो रही थी, तो साथ में बास्केट जो है दिख गई है। गंदी हो ही जाती है ना, पानी वगैरह जाता है नीचे की साइड में, तो वो डस्ट जो है पार्टिकल्स वो जमा हो जाता है, पानी की लाइन जो है ना गंदी थी वो जमा हो जाती है, तो इसको धोना बनता है। ब्लैकआउट से कुछ हो गए थे ब्लैक, तो इन सबको फिर मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया। और जैसे खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो थोड़े बहुत पार्टिकल जो है उसमें चले ही जाते हैं, खाने के कुछ भी करो, तो बास्केट जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ जो है खाए पिए बर्तन थे इनको फिर साफ़ किया, और जीनू से मैं कूड़ा फेंकवा रही थी। थोड़ा थोड़ा काम जो है ना जीनू कर देती है, हाथ बटा देती है साथ में। यार देखो मौसम ने ले ली है अंगड़ाई और बारिश हो गई है स्टार्ट। अब तो बंद हो गई जीनू, देखना बाहर देखती हूँ बारिश होती तो कितना हो जाता। हम लोग वेट कर रहे हैं यार बारिश बंद होने का, रेडी बैठे इतनी देर से, बट बारिश स्टार्ट हो गई इसलिए निकल नहीं पाए। निकलते हैं कहाँ है, लटक गई होगी। हाँ अभी तो नहीं हो रही भाई बारिश, काले काले बादल आ गए एकदम से। चलो फिर चलते हैं। आप शूज पहनोगे या स्लीपर? हेलो पिघल रही है दांत मुंह बंद लगाओ, तुम खाओ दांत। अच्छा क्या हो गया जीनू ने? खाओ ना जीनू, ये उधर देखो हमारे मुंह में आया खुद दे कैसे खाओ ना। जीनू आजा, गिफ्ट भी तो देना है, तो नहीं देना गिफ्ट? गंदी बच्ची, गिफ्ट तो देना पड़ेगा। जीनू उठ जा बेटा, बैठ के खाइए। छोड़ो डाला है यहाँ पे, थम लगाएंगे, यहाँ 1 2 दबाएंगे, समझ लेना एक बार, वो सिखा देगी आपको कैसे खुलेगा ये। 3 दिन से लगी और क्या बनो हमारे खुद ने। थैंक यू खोल के देख लो बनाया गया। कोई बात नहीं, दिखा दो बेटा, पहले दिखा दो गिफ्ट, देख ले कहाँ है गिफ्ट तो दिखा दो, क्या है बता दो कैसे। मार्कर तो खराब ही होगा, चल ही नहीं मार्कर। ये रेनबो है, कितनी सारी तो ले दी हमने। जीनू कहाँ? कितनी सारी और जीनू कहाँ है? जीनू जीनू नहीं है इसमें। भाई उसने बहुत मेहनत करी है। हाँ। इसमें तो आप ही खोल के देखो, मैं नहीं। ये क्या है? ओह माय गॉड। आप ही खोल के देखो, मैं खोल के देखो। इसलिए आने का हाथ रख लेगा। हाँ हाँ आराम से। खाना खाने के बाद सबने एंजॉय किया जीनू का डांस एंड इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय, टेक केयर।